एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके एटीएम के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं। एटीएम अब कोई नई चीज नहीं रह गई है, यदि यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हम पूरी तरह से एटीएम पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन आए दिन हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि फला शख्स के एटीएम के जरिए चूना लगाया गया और लाखों रुपए अकाउंट से गायब हो गए। ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही हैं और हम इसके बारे में जानते हुए भी इसके जाल में फंस जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या क्या कदम उठाए जाएं कि हम ऐसी घटनाओं के शिकार न हो पाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब कभी भी आप एटीएम जाएं तो पहले कैमरे को चेक करें। एटीएम से पैसा निकालने समय चारों ओर देख लें कि कहीं कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं लगा है। इसके अलावा कार्ड डालने वाले स्लॉट में आपको कुछ संदिग्ध दिखता है तो सावधान हो जाएं। चोर उसके अंदर भी कार्ड को पढ़ने वाला चिप लगा देते हैं, जिसके बाद वो आपके कार्ड का सारा डिटेल्स जान जाता है। अगला है एटीएम पिन। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि जिस एटीएम के अंदर पैसा निकालने गए हैं वहां कोई दूसरा तो नहीं है। अगर एटीएम के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा मौजूद है तो पिन कोड न डालें और न ही पैसे निकालें। आपके अंदर जाने के बाद भी दूसरा शख्स जबरदस्ती वहां है तो आप उसको बाहर जाने के लिए कहिए, और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो एटीएम से तुरंत बाहर निकल आइए। तीसरा है, दूसरों को पिन और कार्ड न दें। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों को पिन और एटीएम कार्ड पैसे निकालने के लिए दे देते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट ही अपने रिश्तेदार को दे दिया है। इससे बचें, क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि अपनों ने ही एटीएम से लाखों रुपए निकाल कर भाग गए, और अपनों से पैसे वापस मांगना भी बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। अगला है, अच्छे दिखने वालों के चक्कर में न पड़ें। एटीएम के पास आपको अक्सर कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखने में काफी स्मार्ट होते हैं, और यही लोग आपको बाद में चूना लगाते हैं। ऐसे लोग आपसे कई तरह के बातें करेंगे और बातों ही बातों में आपके एटीएम कार्ड से कार्ड रीडर के जरिए पूरा डिटेल निकाल लेंगे और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सावधान रहिए। हाथों से ढककर पिन कोड डालें। जब भी पैसा निकालने के लिए एटीएम में पिन डालें तो हाथ से ढक लें, चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो। कई बार हिडन कैमरे की मदद से आपका पिन चोरी किया जाता है। साथ ही एटीएम मशीन के जितना करीब हो सके उतना करीब खड़े होकर पिन डालें। और लास्ट है, जाने से पहले कैंसिल बटन जरूर दबाएं। पैसे निकालने के बाद किसी भी सूरत में कैंसिल बटन दबाए बिना एटीएम से बाहर न निकलें, और एटीएम से बाहर तब तक न निकलें जब तक कि स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ न नजर आए, और एटीएम कार्ड स्लॉट में लाइन बार बार न जले। मतलब ये कि जब भी आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तो आप एटीएम कार्ड के यूज करने के बाद कैंसिल बटन जरूर दबाएं और तब तक वेट करें जब तक कि वेलकम स्क्रीन न आ जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो कर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ जिन्हें आप ये बात बताना चाहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।